दोस्तों, ज्योतिष में देवताओं के गुरु बृहस्पति का बहुत महत्व है। किसी जातक की कुंडली में जिस प्रकार सूर्य देव आत्मा और चंद्र देव मन के कारक माने गए हैं, उसी प्रकार देव गुरु बृहस्पति मान सम्मान सुख सौभाग्य और धर्म के कारक हैं। ज्योतिष के अनुसार जिस जातक की कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होकर शुभ फल प्रदान करता है, वह अत्यंत ही बुद्धिमान, सौभाग्यवान और धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है। वहीं कुंडली में बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने पर इन सभी सुखों में कमी आ जाती है और उसे जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि गुरुवार के दिन किए जाने वाले उन सरल ज्योतिष उपायों के बारे में, जिसे करते ही देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसने लगती है। सबसे पहले गौ सेवा। सनातन परंपरा में गाय को पूजनीय मानते हुए माँ का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं और नौ ग्रहों का वास होता है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति जी की कृपा पाने के लिए गुरुवार के दिन गौ माता को हल्दी से तिलक करें और आटे की लोई में गुड़, चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर खिलाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से गुरु ग्रह के सभी जुड़े सुख सुफल मिलने लगते हैं। इसके बाद गुरु की सेवा करने से आपको गुरु ग्रह का फल मिलेगा और इससे सभी दोष दूर हो जाएंगे। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो उसके शुभ फल नहीं मिल पा रहे हैं, तो उससे संबंधित दोष से बचने और उसकी शुभता को पाने के लिए अपने गुरु और बुजुर्ग व्यक्ति को अधिक से अधिक प्रसन्न रखने का प्रयास करें। इस उपाय को करने से कुंडली में गुरु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ज्योतिष के अनुसार किसी भी ग्रह से जुड़े दोष को दूर करने और उसकी शुभता को पाने के लिए आप जल में कुछ विशेष प्रकार के जड़ी बूटी, पुष्प आदि को मिलाकर स्नान करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में यदि आपको कुंडली में गुरु ग्रह का आशीर्वाद न मिल रहा हो तो आप उसकी शुभता पाने के लिए पीली सरसों, मालती का फूल, शहद एवं गुल्लर आदि मिलाकर स्नान करें। ज्योतिष के अनुसार घर में किचन में रखी सामग्री का संबंध भी आपकी कुंडली से जुड़े नौ ग्रह से होता है, जिससे खाने का स्वाद और रंगत बढ़ाने वाली हल्दी का गुरु ग्रह से संबंध होता है, जिसका तिलक लगाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। ज्योतिष के अनुसार शुभता और सौभाग्य को बढ़ाने वाली हल्दी को किचन में कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा जातक को गुरु संबंधित दोष लगता है और उसके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आती है। इसके बाद यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर होकर तमाम तरह की परेशानियों का कारण बन रहे हैं, तो आप गुरुवार के दिन न सिर्फ गुरु ग्रह की पूजा करें बल्कि उसके साथ भगवान विष्णु जी की भी साधना विशेष रूप से करें। गुरु ग्रह शुभ फलों को पाने के लिए गुरुवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान ध्यान के बाद भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले फल और पीली मिठाई का प्रसाद चढ़ाकर पूजा करें। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बिल्कुल भी न भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।